नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्पण और मैं हूं आपके साथ चित्रा। खेती की मेन स्ट्रीम में इस वक्त क्या चल रहा है, ऐसे कौन कौन से छिपे हुए क्षेत्र हैं जिनसे आपको आज के वक्त में ज्यादा फायदा हो सकता है, खेती की पुरानी पद्धतियों में कौन से आधुनिक बदलाव किस तरह, कब और कैसे करें, क्या क्या सावधानियां रखें और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, ऐसे तमाम सवालों का जवाब है कृषि दर्पण। तो आइए करते हैं कुछ खास जानकारी के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत। एक बार बोए गए गन्ने को काट लेने के बाद उसी से दूसरी फसल लेने को पेड़ी या मोढ़ी कहते हैं। गन्ने की पेड़ी फसल से मुख्य फसल की तुलना में कम लागत में भी अच्छी पैदावार मिल जाती है। इसमें बीज की बचत के साथ साथ फुटाव ज्यादा होने से प्रति एकड़ पैदावार ज्यादा मिलती है। जो किसान गन्ने की पेड़ी फसल ले रहे हैं उन खेतों में कीट और रोग का प्रकोप हो रहा हो तो वहाँ पत्तियाँ जला दें या उन्हें गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाएं। पहली कटाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। पत्तर आने पर चूहों की कटाई और खेत की गुड़ाई करने से फुटाव जल्दी और ज्यादा होता है। पेड़ी फसल में 5 से 6 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ डालने से उपज ज्यादा होती है। 90 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ डालें। फसल में लगभग 65 किलोग्राम यूरिया और 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट पहली गुड़ाई के समय फरवरी मार्च में प्रति एकड़ डालकर सिंचाई करें। पशुओं को संतुलित मात्रा में आहार दें। दिन में 2 बार 8 से 10 घंटे के अंतराल पर चारा पानी देना चाहिए। इससे इनका डाइजेशन सही रहता है और बीच में इन्हें जुगाली करने का वक्त भी मिल जाता है। पशुओं के चारे में 1/3 भाग हरा चारा और 2/3 भाग सूखा चारा देना चाहिए। गायों को 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ और भैंसों को 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम वजन भार के हिसाब से देना चाहिए। दिसंबर में सरसों की फसल में जब फूल आने शुरू होते हैं तब माहू कीट का प्रकोप होता है जो मार्च तक बना रहता है। माहू कीट पौधे के विभिन्न भागों से रस चूसकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार आक्रमण रहने पर पौधों के विभिन्न भाग चिपचिपे हो जाते हैं जिन पर काला कवक लग जाता है। इससे पौधों की भोजन बनाने की ताकत कम हो जाती है जिससे पैदावार में कमी हो जाती है। कीटग्रस्त पौधे की वृद्धि रुक जाती है जिसके कारण कभी कभी तो फलियां भी नहीं लगती और अगर लगती हैं तो मैदाने पिचके और छोटे हो जाते हैं। जहां इस कीट के समूह दिखाई दें उन टहनियों के प्रभावित हिस्सों को कीट सहित तोड़कर नष्ट कर दें। जब खेत में कीटों का आक्रमण 20% पौधों पर हो जाए या औसतन 13-14 कीट प्रति पौधा हो जाए तो कीटनाशकों का प्रयोग करें। इनमें मेटस स्ट्रॉक्स 25 cc 250 मिलीलीटर या डाई मेथोइड 30 cc की 350 मिलीलीटर दवा को 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ कीटग्रस्त फसलों पर पहला, दूसरा और तीसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। दिव्या जब लौटकर गांव आई, युवाओं के लिए नई सुबह लाई, खुद की करोड़ों की कमाई, घर घर में रोजगार पहुंचाई, कृषि दर्पण। अगर हमें गांव से हो रहे पलायन को रोकना है तो सबसे पहले वहां रहने वाली महिलाओं में आत्मबल पैदा करना होगा, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अब सवाल ये है कि इसकी पहल कौन करे, कौन खुद आकर खुद भी और औरों को भी रोजगार दे। तभी एक 23 से 24 साल की लड़की आती है और पूरे उत्तराखंड में एक क्रांति सी आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्या रावत की। दिव्या ने मशरूम का ऐसा बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया है जिसे देखकर बड़े बड़े दिग्गज सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। दिव्या को आज पूरा भारत मशरूम लेडी के नाम से जानता है। आखिर दिव्या ने मशरूम लेडी तक का ये सफर कैसे तय किया, इस रिपोर्ट में देखिए। आज जहां युवा पलायन करके रोजगार के लिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं, उनकी सोच के सीधे उलट कुछ नए युवा ऊंची शिक्षा और अच्छी सैलरी वाली देश विदेश की नौकरी छोड़कर अपने गांव और खेतों की तरफ लौट रहे हैं। खेती में करियर बनाना अब इनके जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में लोग नौकरी से ज्यादा खुद का रोजगार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह की सोच रखने वाली दिव्या रावत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो कि नई पीढ़ी के युवाओं को नौकरी की अपेक्षा स्वरोजगार को अपनाने की प्रेरणा देती है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से 25 किलोमीटर दूर कोट कंडारा गांव की रहने वाली दिव्या रावत दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पहाड़ों से पलायन उन्हें परेशान कर रहा था। इसलिए अपने गांव और पहाड़ के लिए कुछ करने का जज्बा उनको अपने गांव की तरफ खींच लाया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद करीब 3 साल तक दिल्ली में एक संस्थान से दूसरे संस्थान में नौकरी करने के बाद
दिव्या ने अपना काम करने की ठानी। अपने गांव लौटकर साल 2012 में मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग करने के बाद इसकी शुरुआत कर दी। दिव्या का ये सफर आज लाखों के टर्नओवर में बदल चुका है और कईयों के रोजगार का जरिया बन चुका है। एंटायर उत्तराखंड से, पूरे पहाड़ों से लोग, किसान जो है वो यहाँ पे आते हैं और उनको हम लोग मशरूम के जो स्पॉन है, बीज है, वो देते हैं। अगर कोई ना आ पाया तो ट्रैक्टर या बस के थ्रू गांव-गांव तक इसको पहुँचाया जा रहा है। दिव्या रावत ने 2012 में मशरूम उत्पाद का काम शुरू किया। शुरू के 2-4 महीने तो उत्पादन ज्यादा खास नहीं रहा, लेकिन 2013 में उन्हें 3 लाख का मुनाफा हुआ, जबकि उसके अगले साल ये मुनाफा 3 गुना और बढ़ गया। और आज मशरूम उत्पादन के लिए दिव्या 50 से ज्यादा यूनिट लगा चुकी हैं, जिसमें रोजगार पाने वालों में महिलाएं और युवाओं की संख्या ज्यादा है। दिव्या का घर न सिर्फ मशरूम की प्रयोगशाला है, बल्कि सीखने वालों के लिए किसी संस्थान से कम नहीं, जहां वो सीखने वालों को न सिर्फ प्रैक्टिकल ज्ञान देती है बल्कि थ्योरी भी समझाती है। इस प्लांट में साल भर में 3 तरह के मशरूम उत्पादित किए जाते हैं। सर्दियों में बटन, मिड सीजन में ऑयस्टर और गर्मियों में मिल्की मशरूम का उत्पादन किया जाता है। बटन 1 महीने में, ऑयस्टर 15 दिन में और मिल्की मशरूम 45 दिन में तैयार होता है। मशरूम के एक बैग को तैयार करने में 50 से 60 रुपए की लागत आती है, जो फसल देने पर अपनी कीमत का 2 से 3 गुना मुनाफा दे ही जाता है। कोई भी अपने 2 कमरों में, क्योंकि 45 दिन की एक नॉर्मल साइकिल होती है मशरूम की, अपने 2 कमरों में लगाए और 2 महीने के अंदर आसानी से 10 से 12 हजार रुपए वो अपने कमा सकते हैं। दिव्या ने गांव में खाली पड़े मकानों में ही मशरूम उत्पादन शुरू किया। इसके अलावा कर्णप्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग, यमुना घाटी के विभिन्न गांवों की महिलाओं को इस काम से जोड़ा। इसके बाद दिव्या ने अपने पैतृक गांव कंडारा, चमोली, गढ़वाल जाकर महिलाओं को मशरूम का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की ओर हाथ बढ़ाया। दिव्या और उनकी कंपनी अब तक उत्तराखंड के 10 जिलों में मशरूम उत्पादन की 53 यूनिट लगा चुकी है। दिव्या चाहती है पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए पलायन न कर अपना काम करें। चूँकि वो मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में है, इसलिए वो इस क्षेत्र में आने के लिए खासकर युवाओं को प्रेरित करती है। दिव्या सप्ताह में 1 दिन मशरूम की ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग इलाकों में रोड शो कर लोगों को मशरूम के बारे में बताती हैं। दिव्या रावत जी की जो ये पहल है, ये बहुत ही उत्तम है। ये हमारे गढ़वाल में, पहाड़ में महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित होकर मैं आया हूँ यहाँ पर। मैंने कहा मैं भी इनसे ट्रेनिंग लूंगा और अपना जो है एक बिजनेस, और बिजनेस के बजाय जो है इसको प्रोत्साहित किया जाए, इससे आमदनी भी बढ़ेगी। दिव्या ने वो कर दिखाया जिसके बारे में पहले सिर्फ बातें की जाती थी। साल भर मशरूम उत्पादन करना एक बड़ी कामयाबी है। दिव्या ने प्रोडक्शन के अलावा मार्केटिंग पर भी उतना ही ध्यान दिया, इसलिए वो कामयाब है। जिनका मशरूम उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली की आजादपुर मंडी तक भारी मात्रा में सप्लाई हो रहा है। इससे युवाओं को सीख लेनी चाहिए। मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में गुणोत्तर वृद्धि करी और सफलता भी पाई है। 2013 से इसने ढिंगरी का उत्पादन प्रारंभ किया था, और उत्पादन ही नहीं, इसने विपणन पर भी बहुत काम किया। इसी कारण उसकी मार्केट सुनिश्चित हो पाई, जिसका कि लाभ सभी अन्य उत्पादकों को भी मिला। अभी तक किसी समर्थ महिला को आयरन लेडी कहे जाने का चलन रहा है, लेकिन दिव्या को लोग शान से मशरूम लेडी कहते हैं। उत्तराखंड की दिव्या रावत मशरूम की खेती से सालाना 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती है। उनकी बदौलत पहाड़ों की हजारों महिलाओं को रोजगार भी मिला है, जिसके लिए इन्हें राष्ट्रपति नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिव्या के इस सराहनीय प्रयास के लिए मशरूम की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। ब्रांड एम्बेसडर होने के बावजूद वो रोड पर खड़े होकर खुद मशरूम बेचती है, ताकि वहाँ की महिलाओं की झिझक दूर हो और वो खुद आगे मशरूम बेच सके। कृषि दर्पण, जी मीडिया। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी, वैसे वैसे खेती पर लगातार बढ़ते विशाल जनसंख्या का बोझ भारी होता गया, और साथ ही उपज बढ़ाने के 100 कायदे तलाशे गए। उन पर काम हुआ और हम कई मायनों में सफल हुए।
जमाना बदल रहा है और इसके साथ ही खेती में भी बदलाव हो रहे हैं। किसान परंपरागत फसल चक्र में कुछ ज्यादा लाभ देने वाली फसलों को शामिल कर अपनी आय में इजाफा भी कर रहे हैं। वहीं अब सब्जी मटर को ही ले लीजिए, जिसमें नई तकनीक रेज्ड बेड तकनीक से बुआई कर कुरुक्षेत्र के एक किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो सुनिए उनसे खेती तकनीक, लागत और मुनाफे का पूरा ब्यौरा। जब भी खेती किसानी की बात की जाती है, चाहे जिस मौसम में जिस फसल की जैसी भी तकनीक अपनाई जाए और उसमें लागत मुनाफे का चाहे जो भी समीकरण हो, सबका लक्ष्य एक ही होता है, लहलहाते खेत, जिन्हें देखकर किसी का भी मन गदगद हो जाए। ये किसी भी किसान का सपना होता है, जिसे हकीकत में बदलने के लिए वो महीनों तक कड़ी मेहनत और पूरी लगन से खुद को खेतों में झोंक देते हैं। ये जो दूर दूर तक फैली हरियाली आपकी आंखों को भा रही, मटर के इस खेत के मालिक हैं कुरुक्षेत्र के एक गांव अमीन के किसान संजीव नंबरदार। संजीव आज अपनी मेहनत का परिणाम देखकर फूले नहीं समा रहे। लहलहाते खेत तो आपने देख लिए, लेकिन सब्जी मटर की खेती का गणित समझना भी जरूरी है। जैसे मटर की फलियों की संजीव दो बार तुड़ाई करवाते हैं, जिससे एक एकड़ खेत में 40 क्विंटल तक की उपज मिल जाती है। एक क्विंटल मटर की फली बाजार में 2000 रुपए तक बिक जाती है। इस तरह मात्र 80 से 90 दिन में ही 80,000 रुपए की मटर के फली की बिक्री हो जाती है, जिसको उगाने में 15 से 20,000 रुपयों का कुल खर्च आता है और 60 से 65,000 की शुद्ध आमदनी एक एकड़ खेत से हो जाती है। बाकी इन्होंने 6 एकड़ में मटर और सुनहरी की मिश्रित खेती कर रखी है। सुनिए उनसे मुनाफे का समीकरण। लगभग सारा खर्चा लगाकर 15-16 हजार रुपए खर्चा आ जाता है इसपे, भाई का, बीज का। अब की बार तो बीज भी सस्ता था, पिछली बार बीज 115 रुपए किलो था, अब की बार बीज हमारे को 45 रुपए किलो मिला। तो पिछली बार से बीज सस्ता है, मटर का रेट महंगा है। पिछली बार तो यही कोई 8-10-12 रुपए बिका, अब की बार तो 25 रुपए शुरू में हमने बेचा है। उसके बाद जो अब चल रहा है मटर, अब 18-17 रुपए ऐसा रेट चल रहा है। तो इसके बाद अब की बार ये झाड़ भी अच्छा निकल रहा है, 35 और 40 के बीच में निकल रहा है, 35-40 क्विंटल के बीच में। यही नहीं, संजीव मटर की बुआई रेस्ट बेड टेक्निक से करते हैं। बुआई के समय इसमें सुनहरी के बीज भी मिला देते हैं। मटर की फसल सुनहरी की फसल से पहले 3 महीने में ही तैयार हो जाती है, जबकि सुनहरी की फसल गेहूं की कटाई के समय तक तैयार हो जाती है। इस तरह उन्हें एक ही खेत से 2 फसलों की उपज मिल जाती है। इसके नीचे हमने एक सुनहरी बोलते हैं जिसको, वो बीज रखी है, ऊपर से मटर पड़वा करके इसकी खुदाई कराएंगे। खुदाई में लगभग 4-5 हजार रुपए खर्चा आ जाएगा खेत को साफ करने के लिए। उसके बाद सुनहरी तैयार हो जाएगी। सुनहरी हमारी 6-7 के बीच में निकल जाती है, 6-7 क्विंटल के। पिछली बार में हमने बेची है 9,000 के करीब बेचे, रेट अच्छा था सुनहरी का, मटर का मंदा था। तो सुनहरी में लगभग करके खर्चा पानी पूरा हो गया था। कहने का मतलब यह है कि गेहूं की बिजाई जब हम करते हैं और जब कटाई करते हैं, ये गेहूं के 10-20 दिन के बाद इसकी सुनहरी की कटाई हो जाती है, तो 2 फसल उठा सकते हैं हम इस सीजन में, मटर की और सुनहरी की। संजीव अपनी उपज और उससे होने वाले मुनाफे से बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन संजीव की इस मुस्कान के पीछे छिपी है एक सुविचारित और नियोजित तकनीक। हर एक चीज, चाहे वो खेतों की जुताई हो या बुआई की तकनीक, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में लगाया था इस पे, हमने मेरे ख्याल कर 5-6 बाई की, काफी बाई करनी पड़ा इसमें सब्जी में जी, 6-7 बाई करके पूरी तरह खेत को तैयार करके उसके बाद इसको एक ड्रिल के साथ मशीन के साथ होड़ते हैं। उसमें 1.5-2 इंच की दूरी पे बीज को मशीन छोड़ती चली जाती है अपने आप, और इसके बेड तैयार करती चली जाती है। उसके बाद इसमें बहुत काम होता है किसी का, उसको लेबर के साथ तैयार करवा के पूरा पानी देने के, जो खाल वगैरह बना के फिर इसमें पानी लगा देते हैं बीज करके फिर इसका जर्मिनेशन लगभग 10-15 दिन के बाद इसका जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है। खेतों में बीजों की बुआई से ही काम नहीं बनता, फसल समय समय पर देखभाल मांगती है, कभी कीट रोगों का प्रकोप तो कभी खाद पानी का झंझट। साथ ही सिंचाई भी समय से ही करनी पड़ती है, नहीं तो फसल से अच्छी उपज नहीं मिलती। दूसरे पानी के बाद इसमें 1 कट्टा यूरिया और 1 स्प्रे करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाता है। जब पूरा फूल आ जाता है 1 स्प्रे फिर करते हैं इसके ऊपर, जो फूल को रोकने के लिए। जब फूल रुक जाता है पूरा,
लगता है भाई यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है मटर, या कोई सुंडी वगैरह आ जाती है इसमें, सुंडी का स्प्रे भी करना पड़ता है, सुंडी भी काफी आती है इसमें, सुंडी की भी बड़ी महंगी दवाई करनी पड़ती है। समय के साथ साथ हर क्षेत्र में विविधता आई है, हमें इन विविधताओं को खेती में आजमाने की जरूरत है। इस तरह आप अपने खेतों से ज्यादा उपज ले पाएंगे। बस जरूरत है थोड़ी सी समझदारी की, बाजार मांग को समझने की, और इसके बाद आप अपने खेतों से अच्छी आमदनी ले पाएंगे। कृषि दर्पण, जी मीडिया। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक और अहम रिपोर्ट के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। माध्यम बना, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी न्यूज हो सबकी पहल रही और उसके आधार पर आज समझौता हुआ। जी न्यूज का बहुत बहुत आभार, विकास जी आपका खास तौर से आभार कि आपने जिस प्रकार कल से सतत प्रयास करते हुए और इस वार्ता की टेबल तक आपने लाने के लिए। जी न्यूज का आभार, जी न्यूज ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए हमारे चिकित्सकों को सरकार के साथ ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध करवाते हुए एक मंच मिला है। ये न्यूज के लिए विशेषकर जी न्यूज से विकास शर्मा, जिसने इस बार बहुत अभिन्न एक समझौते का रोल अदा किया है। सबसे पहले हम जी न्यूज को धन्यवाद देंगे और जी न्यूज ने जिस तरह से मीडिया के नए आयाम स्थापित किए हैं, जी न्यूज के हम आजीवन आभारी रहेंगे और खासतौर से विकास जी के। जी न्यूज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम कृषि दर्पण में अक्सर आपको उपज बढ़ाने और उसकी क्वालिटी बढ़ाने के टिप्स देते हैं, लेकिन खेती में कुछ और करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। जैसे गोभी के बीज उत्पादन कर जयपुर के शीशपाल लाखों की कमाई कर रहे हैं। देखिए कैसे उपजाए क्वालिटी के बीज। खेती में लागत कम कर कोई कैसे लाखों रुपए कमाए और खेती को फायदे का सौदा कैसे बनाए, यह आपको जयपुर के किसान शीशपाल जाट से सीखने की जरूरत है। क्योंकि अक्सर छोटी जोत वाले किसानों को खाद और रसायनों की किल्लत से दो चार होना ही पड़ता है और इसलिए ज्यादा लागत के बाद भी किसानों को उनकी उम्मीदों से कम ही उत्पादन और लाभ मिल पाता है। शीशपाल ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। उन्होंने फैसला किया अपने खेतों में बीज तैयार करने का। खेती में बीज का महत्व किसे नहीं पता। बिना अच्छी किस्म के बीज के पौधे या उपज की आशा ही नहीं की जा सकती, और ऐसे बीज की आपको क्या कीमत मिल सकती है ये जानना आपके लिए जरूरी है। शीशपाल पिछले 3 साल से खेती कर रहे हैं। वो बताते हैं कि फूल गोभी के बीज रोपण से लेकर बीज तैयार होने तक में कुल 6 से 7 महीने का समय लगता है। पहले साल उन्होंने 1 एकड़ खेत में फूल गोभी की रोपाई बीज उत्पादन के लिए की थी, जिसमें 2,70,000 रुपए की आमदनी हुई। फिर क्या था, बीज उत्पादन में लाभ देखते हुए शीशपाल ने खेती का रकबा दूसरे साल बढ़ाकर 3 एकड़ कर दिया। इस साल उनके खेत से निकले बीज 12 लाख रुपए के बिके, जिसको उगाने में खर्च हुए महज 3 लाख रुपए। इस तरह 7 महीने में 3 एकड़ खेती से कमाई हुई 9 लाख की। 3 साल से गोभी का बीज हम तैयार कर, हाईब्रिड बीज तैयार कर रहे हैं। और 3 साल में पहले हमने 1 एकड़ में लगाया था, 1 एकड़ में पैदा हुई थी इसकी 2,70,000 रुपए। फिर हमने दूसरी साल 3 एकड़ में लगा दिया और 3 एकड़ में हमारे 12 लाख रुपए की पैदा हुई थी। 12 लाख में 3 लाख हमारे खर्च आया था, 9 लाख हमारे सेब बच गए थे। ये 7 महीने क्रॉप है, 7 महीने में बीज तैयार होता है इसका, पौध लगाने से और बीज की कटाई करने से तक।
गोभी का हाइब्रिड बीज तैयार करने के लिए सबसे पहले नर्सरी में गोभी के पौधे तैयार किए जाते हैं। पौध तैयार होने के बाद इनकी रोपाई मुख्य खेत में कर दी जाती है। पौध खेत में लगाते समय आपस की दूरी 1.5 फीट के करीब रखते हैं, जबकि लाइनों के बीच की दूरी 4 फीट तक रखी जाती है, जिसमें 2 मेल पौधों के बाद एक फीमेल पौधे का रोपण किया जाता है। इस तरह 1 एकड़ में 6000 पौधे लगते हैं। इसके बाद जब इनमें फूल बनने लगे तो नर फूलों से मादा फूल का क्रॉस मधुमक्खियों के सहारे करवाया जाता है और इस तरह आपके पौधों से बीज मिलने लगते हैं। 1 एकड़ के अंदर पौध लगती है, इसमें 6000 पेड़। पौधे से पौधे की दूरी होती है हमारी 1.5 फीट की और कतार से कतार की दूरी होती है हमारी 4 फीट की। और पौध लगा के उसमें 2 चीज होती है, मेल और फीमेल। दोनों मेल फीमेल का क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवा करके हमारे ये हाइब्रिड बीज तैयार होता है। इसमें बीज के लिए लगाए गए पौधों में रोग और कीटों का प्रकोप कम ही होता है, लेकिन कभी कभी इनमें कुछ कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। इसके साथ ही पौधों को खाद पानी भी समय से देना चाहिए। सिंचाई के लिए 4-5 दिन के अंतराल पर 15 से 20 मिनट ड्रिप से सिंचाई की जाती है। रोग तो बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसमें आगे पीछे करने के लिए कुछ स्प्रे करना पड़ता है। इसमें खाद कूद का और दवाई का भी स्प्रे होता है। इसमें तो जो लट आती है, इसमें कोराजन हम देते थे तो वो लट नहीं आती है। उसमें 1-2 स्प्रे कोराजन का होता है और 19-19 रो खाद कूद माइक्रोन्यूट्रंस खाद का स्प्रे लेते हैं। इसमें ज्यादातर पानी तो बहुत ही कम लगता है। इसमें पानी करीबन हम ड्रिप चलाते हैं, 15-20 मिनट ड्रिप चलाते हैं। इसमें जो 4-5 दिन से ड्रिप चलाते हैं, इसमें 15 मिनट में पानी पहुंचता है इसमें। यही नहीं, बीज उत्पादन के लिए कंपनी से टाई अप किया जाता है। कंपनी उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाती है और फसल तैयार होने के बाद खुद ही ले भी जाती है। इस तरह कंपनी गोभी के बीजों को 2.5 से 3 लाख प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदती है। इस तरह किसानों को बीज को बेचने के लिए अलग अलग बाजारों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी उपलब्ध करवाती है और कंपनी वापस बीज ले जाती है इसका, और लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये बीज बिकता है हमारा। इस तरह अगर आप भी सही तकनीकों को अपनाकर या थोड़ी सी जानकारी जुटाकर बीज उत्पादन का काम शुरू करें तो परंपरागत खेती के मुकाबले अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि दर्पण, जी मीडिया। और अब देखिए कुछ प्रमुख फसलों और फलों की प्रमुख मंडी में चल रहे अधिकतम और थोक भाव की जानकारी। कृषि दर्पण में दिलचस्प नई जानकारियों से भरे रिपोर्ट के साथ कल फिर सुबह 6:30 बजे होंगे हाजिर। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।